यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बाबा से बुलंद सलवात। सब तो पहले सूरह फातिहा, शफीना सलवात पिछोड़ी मजलिस नहीं, मेरे बाद मेरे मोहतरम पढ़ने वाले भाई ने अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कदर वाली रात नाजल किया। पंजाबी च गल्लां तुहाडे नाल दो चार करनियां ने अपनी चटकी जबान च। अल्लाह फरमा रहा है मैं नाजल किया है कदर वाली रात च। अल्लाह इतने दस्या नहीं के नाजल किनू किया है। फकमात्रा का माल लेगा तुल कदर, और तू जानता ही नहीं इस रात की कदर की है। ये रात है क्या? जुमला फजहल दा जनाबे तेरा तो मेरे छिवे इमाम फरमाते ने, किसी बंदे पूछा मौला ए फकमात्रा का माल लेगा तुल कदर, एक कदर वाली रात है क्या? मौला फरमाया तेनू पता ही नहीं, एक कदर वाली रात मेरी मां सहारा है। बुजुर्ग बैठे ने, मैं अपने दादा उस्ताद का जुमला पढ़ी जावा। मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल, एक दिन सफर जाते पिया, रस्ते चाहिए मस्जिद, क्योंकि सारे वलायत वाले बैठे हैं, सारे अली वाले बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ते आज दी मजलिस बनाए सारे सवाब दी, ओ भी अली वाले हैं। वाह 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 वाह, उन्हें दा बेटा इकबाल हुसैन साकरे मौला दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो तो सारे अली वाले बैठे हैं, ते जिक्र भी अली दा, बोलना थोड़ा जा इंच नहीं, सिर नहीं हलाना, जबान चलानी है। रब्बे काबा की कसम सिकरे हुसैन च जड़ी अज तक मजलिस इमाम हुसैन च जबान नहीं ना बोलनी, कल उस कब्र च भी नहीं बोलना। यह थोड़ा जबान बोलना है तईद होती है गल की। मजलिस इमाम हुसैन ने इस्लाम च बह के जड़ा बंदा नहीं बोलता, रब्बे काबा की कसम है कल नूं जदों उस कब्र च जाना है उसकी कब्र च भी जबान नहीं चलनी। ते अज सोच लो कि मजलिस इमाम हुसैन च बोल के असी दसना चाहते हैं कि असी अज अली वाले हैं। मुबल्लिग आज़म नमाज का टाइम आई, मस्जिद च इन्हें दाखिल नमाज पढ़ने वास्ते, एक बंदा टूटिया तो बह के वजू पिया करता, गल मैं करनी है तो दो चूसा करनी है, और जो वजू करता पे ना एदू मुअज्जिन अजान देना पे, ये अजान देना पे, उस बंदे जो तो अजान सुनी है ना वो जुत्ती चाई तो तुर पिया, जुत्ती चाई तो कच्छ च पाई चाह के तुर पिया। तुसी चनोट वाले भी कच्छ ही छते हो ना, कि होर गल तो नहीं ना है, तुसी चना लियो मैं रावी आला। अच्छा वो तुर पिया अगू मौलवी इस्माइल साहब, उन्हें तुबा तुफा गया, उन्हें कह बंदा खुदा
तू वजू पिया करना है, तू तो नमाज पढ़नी आई, विचे वजू छड़ के तुर पे है। आंदे ओ मौलवी अजान ही सुन। उसका की है? उसका क्या मौसम की अजान सुन। उसका क्या की होया की अजान च पढ़िया? उसका जी अजान च पढ़िया अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली यम वलीउल्लाह। ये मस्जिद है शिया दी, मेरी इतने नमाज नहीं होती। आए हाय थोड़ी चुप तो सके। उसका क्या मेरी इतने नमाज नहीं होती। जो दो उसका ने मेरी इतने नमाज नहीं होती। मौल साहब के अच्छा जिस गली दे गोट दे तो लिखा हुआ अली जन वलीउल्लाह ओ गली उसका शिया दी। उन्हें कहा जिस मकान दे दरवाजे ते अली जन वलीउल्लाह लिखा हुआ ओ मकान शिया दा। जिस मस्जिद पुए ते अली जन वलीउल्लाह लिखा हुआ ओ मस्जिद शिया दी। मौल साहब फरमाया पर जन्नत ते तेरा काम कोई नहीं, क्योंकि मस्जिद जड़ी है ना जन्नत ओदे ने अठ दरवाजे उन अठ दरवाजे ते लिखा है अली जन वलीउल्लाह। जन्नत दरवाजे वेखे जबरील नाल आई, पहला जुमला रसूल देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुमला मुहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा जुमला जन्नत के दरवाजे ते अली जन वलीउल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह असी जन्नत के दरवाजे ते अली जन वलीउल्लाह दिखा सकते हैं। मौलवी आंदा जी किथे लिखा है अली जन वलीउल्लाह? ओ मौलवी कुरान तो लेके हर जगह ते असी अली जन वलीउल्लाह दिखावन वास्ते आ। माशाल्लाह कुरान पूरा कुरान रब्बे काबा की कसम है, पूरा दा पूरा कुरान अली दे कसीदे ना पढ़े होया। माशाल्लाह माशाल्लाह जाकर भी कसीदा पढ़ता है, मैं भी कसीदा पढ़ता पिया। वाह ओ सर पढ़ता है ते मौलवी नहीं तुसी बसुरा समझदे हो। अल्लाह जितनी मौलवी को सर है किसे को भी नहीं है। सरकारे जन्नत के दरवाजे ते अली उन वलीउल्लाह जेड़ा बंदा अली जन वलीउल्लाह नहीं ना पढ़ता मिंबर ते खलो क्या था पिया। साढ़े को दावे भी है दलील भी है, क्योंकि दलील दावे तो बगैर गल नहीं बनती। दावा करो दलील दो तो गल बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान च अली जन वलीउल्लाह साबित है। माशाल्लाह यानी कुरान च नहीं, कुरान तो अली जन वलीउल्लाह साबित है। कुरान की आयत ही अतीउल्लाह वाती रसूल वाउले लमरे मिनकुम। माशाल्लाह कुरान की आयत है है ना? कुरान की आयत है बोलो तो कुरान के अल्लाह की फरमा रहा है अतीउल्लाह इताअत करो मैं अल्लाह दी वाकिया रसूल और इताअत करो मैं मेरे नबी मोहम्मद दी तीसरी ओले अमर इताअत करो ओले अमर दी जा जिस बार भी तू मर्जी पूछना ओले नबर है कौन जनाब ओले नबर है अली बादशाह। जब अल्लाह कुरान में फरमा चढ़िया अतीउल्लाह इताअत करो मैं अल्लाह दी अतीउल रसूला और इताअत करो रसूल दी वाउले अमर मिनकुम और इताअत करो। और मौलवी का दिल करे जिदे वास्ते तर्जमा करे आखे जी ओले नंबर दा मैना है के वक्त दा बादशाह। वाह हाय 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 तोड़ी चुप तू सके माशाल्लाह वक्त दा बादशाह। तू मुड़ इंज कर कदी नमाज शरीफ दा कलमा पढ़ कदी और इमरान खान का कलमा पढ़ क्योंकि वो कदा बादशाह हो जदों की कैनात खलक हुई है उस तू लेकर क्यामत तक अली उल वलीउल्लाह साबित है। माशाल्लाह और औले अमर बादशाही अली मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह हयातियां भाई हयातियां जे कुरान च नाल छड्या अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह दी सारे मुसलमान पढ़ लिया मुसलमान पढ़िया ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा रसूल फरमाया इताअत करो रसूल दी सारे पढ़िया मोहम्मद रसूलुल्लाह अली इब्न वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? एदी वजह की है कुरान च जो अल्लाह हाथ छड्डे
जे अगर अल्लाह कुरान च आख्या इताअत करो मेरी अल्लाह मैं अल्लाह दी ते सारे ने ला इला पढ़िया वाजिब हो गया ला इला इल्ला उस तो बाद मुहम्मद और रसूल पढ़िया मुहम्मद और रसूल वाजिब हो गया रब्बे काबा की कसम है मैं रो की कसम है जिदा कब्जा कुदरत मेरी जान है अगर अली वलीउल्ला अल्लाह कुरान च आख्या इताअत करो लिला मर्दी ते अली वलीउल्ला वाजिब है जड़ा नहीं पढ़ता गुनाहगार है जड़ा पढ़ता है किसे पूछा जी के कि मैं पढ़ना चाहिए सदके आले मोहम्मद फरमाते ने ला इलाह जो ला इलाह पढ़ो ना लोग ने किथे लिखा है मैं जनाबे सदके आले मोहम्मद छिले इमाम दी हदीस पे सुनना के सदके आले मोहम्मद फरमाते पेने जो ला इला पढ़ो ना फौरन मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ो जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ लो ना फौरन अली जन वलीउल्लाह पढ़ो माशाल्लाह इतने नहीं फरमाया के अजान च पढ़ लो तो कलमे छड़ दो कलमे च पढ़ लो तो नमाज छड़ दो जिथे जिथे ला इला इल्लल्लाह है ओथे ओथे मोहम्मद और रसूलुल्लाह है जिथे जिथे मोहम्मद और रसूलुल्लाह है ओथे ओथे अली जन वलीउल्लाह है माशाल्लाह माशाल्लाह एक जुमला और फजाएगा जनाबे पहले मेरे तो पढ़ते प्यार क्योंकि जमाती और सानी का महीना चलता प्यार जनाबे मैं इतने किले जगह पर बैठा हुआ उत्तू मेरे मुर्शद आ जाना गल का लुत्फ लेना है तो दाद तू सुन रही है गल बड़े गौर ने सुनी है मैं बैठा हुआ उत्तू मेरे मुर्शद आ जाना क्या मैं बैठा था सा भजन बोलना है मैं खलो जा सा अच्छा मैं भी बैठा हुआ मेरे मुर्शद भी बैठे हुए उत्तू सरकार कलंदर आ जावे क्या अस तो बैठे रहे सा ना बोलना है भजन बोलना है अस बैठे सा खलो जा सा अच्छा मैं भी बैठा हुआ मेरे मुर्शद भी बैठे हुए सरकार कलंदर भी बैठे हुए उत्तू जनाब यानी बादशाह आ जावे क्या अस बैठे रहे सा उठी जैसा है अच्छा तमाम अंबिया तमाम औलिया तमाम औसिया सारे बैठे हुए उत्तू सरकार मोहम्मद मुस्तफा आ जावे क्या मैं बैठा रहा सारे बैठे रह सारे खलो जावे ले पहचान हूं लुत्फ तू लेना है दात देवे ना देवे तेरी मर्जी लेकिन गल बड़ी वड्डी पे करना जो सारी कायनात बैठी होवे सरकार मुहम्मद आ जावे पूरी कायनात खलो जावे जिदे वास्ते पूरी कायनात खलोवे ओनू मुहम्मद आ देनी जिदे वास्ते पूरी कायनात खलोवे ओनू मुहम्मद आ देनी जिसे वास्ते मुहम्मद खलो जावे ओनू बतूल आ देनी साढ़े त्रै घंटे दरबार च अज लोग आते ने माजल्ला के बतूल हक ते नहीं अगर मेरी आकाजा दी हक ते ना हो कभी दरबार च अपना हक मंगना चाहे क्योंकि जाकिर बहुत पढ़ने वाले ने कभी मौका मिले बागे फितक का पूरा मुकदमा सुनाओ सा कि बागे फितक कितों आया किमें मिले साढ़े त्रै घंटे पहचान बुखारी शरीर चले दिखा है साढ़े त्रै घंटे तो बाद जहाँ तख्त बैठा हा ना बंदा वो बोल के आता बतूल किमें है मेरी आका जारी फरमाया मैं अपना हक मंगा ये मुसलमान हैं मुसलमान आता है नबियों का वारस कोई बीबी पाक ने चाली कुरान की हथा पढ़ के सुना वो वारिस आ सुलेमान दाऊद अगर सुलेमान हजरत दाऊद के वारस थे इन्हें कोई नहीं मानी बीबी हक मंगन नहीं कही आई बीबी दसन गई आई ना इन्हों का कुरान ते ईमान ना मेरे बाबे के फरमान ते ईमान उस बाद बीबी
बीबी ने हदीसा सुनाइया ने अपने बाबे दी इस कोई नहीं बोल अदे कोई तहरीर ही पेश कर मेरी आकाजादी ने कमते हुए हाथ नाल अपनी जेब बुरखे दे विचों इंज करके बीबी ने हाथ बताया इस तहरीर ये तक आता हाथ ना पहुँचाए दे नाल जड़ा बंदा बैठा इशारा ही काफ़ी पहचान उस तहरीर पकड़िए पकड़िए तहरीर पकड़ के टुकड़े शुरू कर लेंगे टुकड़े करता रहे टुकड़े करके जमीन ते सटे खाली सटे नहीं इस पैर नाल मसल देते मुसलमान आते ने बीबी कोई गवाही ते पेश कर जो इन्हें आख्या ना बीबी कोई गवाही ते पेश कर मेरी आकाजादी दोवें पुत्रां दे सिर ते हथ रखे रख के आते ने हसन ते हुसैन तुहाड़ी मां नूं तुहाड़ी गवाही की लोड़ पई है मेरे पुत्रों मेरी गवाही दो जो जनाब हसन ते हुसैन खलोते ने ना ये मुसलमान आते ने ये जो शरीयत चौखी जानते हैं ये बोल के आते ने ये बच्चे ने इन्हां दी गवाही कबूल नहीं मुसलमान गौर कर जो ये बच्चे मुबाहले च गए हैं ईसाई इन्हां दी गवाही मन गए हैं तो ये गवाही नहीं मनी जो गवाह भी झूठ लाए गए बीबी नूं हक नहीं मिलिया जो बीबी नूं हक नहीं ना मिलिया बीबी सोच लिया वेख लिया कि मैनूं हक नहीं देंदे बीबी दरबार च रोंदी ही वापस आईया ने जो रोंदी ही वापस आईया ने ना जो बीबी घरों गई आई ना बीबी के वाल स्याह हन जो वापस आई है बीबी के वाल सफेद हो गए भाई सफर कितना है का सिर्फ और सिर्फ 17 कदम का सफर आ पढ़ते का इंतजाम हा बीबी वापस आई है बीबी के वाल सफेद हो गए जनाब ज़ैनब ने टिटा है वे कह देना मां की होया जे हक नहीं मिलया ते मुड़ की होया अम्मा तेरे वाल क्यों सफेद हो गए मेरी आकाजादी ने रो के फरमाया ज़ैनब मेनू हक की फिक्र नहीं मैं दरबार च वेखाइया तेरी चादर नहीं बचनी हुसैन का सर नहीं बचना झूठ थोड़ी बदिया वाह भाई वाह।